रामपुर में रामपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी ने सील किया आजम के समधी का होटल। मानचित्र के विपरीत अतिरिक्त निर्माण बना कार्रवाई का कारण। होटल मालिक का आरोप, आजम का रिश्तेदार होने की मिली सजा। सपा शासन काल में हुआ था निर्माण, आजम ने किया था उद्घाटन। रामपुर से सपा सांसद आजम खान को लेकर तो खबरें रोज ही आती रहती हैं। उनके बयानों को लेकर तो कभी जौहर यूनिवर्सिटी की जमीन कब्जाने के मामले को लेकर या फिर उनसे जुड़ी दूसरी विवादित जगहों को लेकर, लेकिन अब जो खबर रामपुर से आई है वो सीधे सीधे आजम खान की तो नहीं है लेकिन जुड़ती उनसे ही जाकर है। इस बार प्रशासन के रडार पर उनके समधी आए हैं जिनका होटल सील कर दिया गया है। रामपुर में डायमंड रोड पर एक आलिशान होटल है जिसका नाम द प्लाजा होटल है, जो आजम खान के समधी का है। आज आरडीए सचिव ने एक बड़ी कार्रवाई की और आजम खान के समधी का होटल सीज कर दिया। आरोप है कि उन्होंने नक्शे के विपरीत होटल का निर्माण कराया था। होटल लगभग 1401 वर्ग मीटर में बना है। होटल का निर्माण सपा शासन काल में हुआ था और इसका उद्घाटन भी प्रदेश के तत्कालीन नगर विकास मंत्री आजम खान ने किया था। होटल का मानचित्र पूर्व में जो है स्वीकृत था, निर्माणकर्ता द्वारा उस जो स्वीकृत प्लान था उससे बढ़ करके जो है निर्माण किया है, उसके सेटबैक आच्छादित है, जिसके लिए उनको समुचित सुनवाई का मौका दे करके उनका समन मानचित्र प्राप्त हुआ था, उसका नियमानुसार परीक्षण करके निस्तारण करके बिल्डिंग को जो है सील किया गया है। आजम खान के समधी और होटल के स्वामी रिजवान मोहम्मद खान का कहना है कि रामपुर में ऐसे अनगिनत होटल और भवन है जो नक्शे के विपरीत बने हैं लेकिन उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। हम तो कंपाउंड भी कराना चाह रहे थे लेकिन नहीं किया गया। हमारे खिलाफ कार्रवाई सिर्फ इसलिए की गई क्योंकि हम आजम खान के समधी हैं। रिजवान खान ने इसे सांप्रदायिक रंग देते हुए कहा कि हम पर इसलिए भी कार्रवाई हो रही है क्योंकि हम मुसलमान हैं। रिजवान ने कहा कि वो आरडीए के फैसले के खिलाफ कोर्ट जाएंगे।